आज्ञा पाकर ब्रह्मदेव वरदान देने के लिए भीमासुर के सामने प्रकट होते हैं। इच्छित वरदान न मिलते देख करकटी क्रोधित हो उठती है, परंतु भीमासुर करकटी की उपेक्षा करके ब्रह्म कृपा प्राप्त करता है। भीमासुर की सफलता से प्रसन्न राक्षस वीर उत्साहित होकर उसकी जय जयकार करते हैं। राज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की बंद करो ये जय जयकार। ये राक्षस जाति का शत्रु है। अपने पिता के प्रतिशोध को पूर्ण ना करके इसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, विश्वासघात किया है। ये तुम क्या कह रही हो माता? मत कहो मुझे माता, मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। भला होता यदि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं भी आत्महत्या कर लेती। भला होता रक्ताम्बरी यदि से जन्म देने से पूर्व ही तू मुझे रोक लेती। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माता मेरी बात सुनो, इस प्रकार मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान भीम, यदि अपने पुत्र होने का ढोंग करके तू मेरे पीछे आया तो मैं किसी पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी क्रोध को त्याग दीजिए, मुझे कुमार पर पूरा विश्वास है। किंतु मेरा विश्वास खंडित हो चुका है। उस वरदान का क्या महत्व है जो मेरे प्रतिशोध को पूरा ना कर सके, जो मेरे हृदय की ज्वाला को शांत ना कर सके। राजकुमारी अगर इसी प्रकार आप चली गई तो कुमार तो अकेले रह जाएंगे। कौन कुमार, कौन भीम? मैं किसी की माता नहीं हूँ और ना कोई मेरा पुत्र है। वो मेरे लिए मर चुका है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। राजकुमारी रक्ताम्बरी यदि तुम्हें भी जाना है तो उसके पास चली जाओ, किंतु उस विश्वासघाती का नाम मेरे सामने मत लेना, अन्यथा मेरा क्रोध भी तुम्हें दंडित कर देगा। यदि ब्रह्मदेव की बात ना मानकर मैं उनसे वरदान ना मांगता तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाती, किंतु अब यह वरदान पाकर मुझे हर्ष नहीं दुख हो रहा है, भयानक दुख। मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई, यह वरदान मेरे लिए वरदान नहीं शाप बन गया है, शाप। वरदानी दैत्यराज, आपको इस प्रकार दुखी होने के स्थान पर अपनी माता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए। नहीं, मेरे पास माता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं, अब मैं क्या करूं? निराश ना हो दैत्यराज, आपने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति का वरदान पाकर दैत्य जाति का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। अर्थात अब इस संसार में आपके समान शक्तिशाली कोई नहीं। अब सबसे पहले आप दुष्ट देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लीजिए। उससे क्या होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। किस प्रकार? सृष्टि के पहले दिन से ही दुष्ट देवताओं की सहायता में संलग्न रहने वाला विष्णु भागा भागा आपसे युद्ध करने के लिए आएगा और पराजित हो जाएगा। विष्णु की पराजय न केवल उसके अवतार राम की पराजय है, अपितु आपकी माता के प्रतिशोध को लेने में भी सक्षम है। परंतु मैं विष्णु को परास्त कर पाऊंगा? क्यों नहीं दैत्यराज, यदि ब्रह्मा जी का वरदान सच्चा है तो अवश्य कर पाएंगे। ये मत भूलो दैत्यराज कि ब्रह्मा जी ने केवल राम को ना परास्त करने की शक्ति प्रदान करना अस्वीकार किया था, विष्णु का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। सत्य कहते हैं आप, माता को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। राक्षस वीरों, हम अभी और इसी समय स्वर्ग की ओर अभियान करेंगे। हमारी वरदानी शक्ति के आगे देवताओं को पराजित होना ही होगा। चलो राक्षस वीरों। महाबलशाली महाराज कुंभकर्ण के पुत्र वरदानी राक्षस राज भीमासुर की अतुलनीय शक्ति से संपन्न भीमासुर और देवताओं के मध्य घोर संग्राम हुआ।